सर क्या कहना चाहेंगे ब्रो कोड की बात करें, बहुत ही मतलब इसमें तड़का वाली मसाला वाली फिल्म है, बहुत अच्छा लगा लोगों को। क्या कहना चाहेंगे ब्रो कोड को लेकर के, जिस तरह से आपका किरदार रहा लास्ट टू एंड तक, जो है स्टार्ट टू एंड तक आप भी पूरे रोल में, क्या कहना चाहेंगे? तो ये जो हम जब फिल्म प्लान कर रहे थे तो सर हैं, सर से मेरी मीटिंग हुई थी, हमने प्लान किया कि सर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो सर को काफ़ी पसंद आया, हमने स्क्रिप्ट वगैरह इनको सुनाया, फिर मैंने पूरी फिल्म की कास्टिंग की, मेरे को श्रेया मिली एंड यश मिले, और मतलब इट्स काइंड ऑफ माय ड्रीम प्रोजेक्ट, सो इट्स काइंड ऑफ माय ड्रीम प्रोजेक्ट। सो मैंने सोचा था कि एक स्टार्टअप करते हैं अच्छा सा, तो तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि एक अच्छा रोमांटिक मूवी बनाएंगे यूथ के लिए, जो नए आर्टिस्ट है उनको लेके करना चाह रहे थे हम ये काम, क्यों तो हम चाह रहे थे कि जैसे एक रोमांटिक लव स्टोरी हो, जो एकदम नए नए जो आ रहे बॉयज, हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल्स है जो हम लोगों को चांस दे रहे फैशन में और फिल्म में, तो उस हिसाब से हम ना श्रेया को और ऐश और दानिश को सिलेक्ट करें, जो एकदम यंग आर्टिस्ट है, जो फ्यूचर में बहुत अच्छा है वो रहेगा, इन लोगों का आगे बढ़ने के चांसेस है, बहुत अच्छा इन लोगों का है परफॉर्म, देखे मूवी तो देखे ना आप लोग कैसी लगी मूवी। सर ब्रोपुर वर्ड है, हाँ वर्ड है, अमूमन मुंबई में ब्रो बहुत ब्रांड है, अमूमन दोस्ती में ब्रो यूज करते हैं, ब्रो पुर जो टाइटल है बहुत प्यारा है, इसके लिए आपका कैसे हम लोगों की एक अट्रैक्शन है ना यंगस्टर्स के लिए ब्रो कोड आजकल ये एकदम से चल रहा है ना, जैसे हां जैसे यूथ को बहुत पसंद होता है, पसंद आजकल की जनरेशन में ये ब्रो कोड यूज करते हैं, तो उसी हिसाब से हमने टाइटल ये सेलेक्ट किया और इसके खिलाफ इसके व्याप पे हमने फिल्म बनाया। आगे भी सर आप यूथ को लेके? हां बिल्कुल बनाएंगे, और एक हम लोग लव इन देहरादून बल्कि एक मूवी लॉन्च कर, ऑलरेडी लॉन्च हो गई, कुछ शूटिंग होने वाला है, अब इसका प्री प्रोडक्शन में काम चल रहा है, स्टार लाख हैदराबाद कई सारे फैशन शोज कर चुकी है, इंटरनेशनल फैशन शोज ना केवल इंडिया में बल्कि दुबई में, सिंगापुर में, सिंगापुर में, और इसके साथ साथ अब मुंबई में कब से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कब से हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो ऑडियंस उसके बारे में बताएं। तो सागर जी भी उसका डायरेक्शन करने वाले, जो नेक्स्ट आने वाली मूवी हम लोगों की जैसा लव इन देहरादून, तो बहुत अच्छा सागर जी का भी बहुत सपोर्ट है, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं उस हिसाब। मैम आपका किरदार बहुत चैलेंजिंग रहा, इसके लिए कितनी आपको हार्ड वर्क करना पड़ा? एक्चुअली दानिश मेरे को जब मिला था और ही वॉज लाइक इट्स माई ड्रीम प्रोजेक्ट, तो मैंने उस हिसाब से मैंने बोला कि आई हैव टू गिव माई 110% बिकॉज इट्स माई ऑल्सो इट्स माई फर्स्ट प्रोजेक्ट विद हंगामा, तो आई वॉज लाइक ओके आई हैव टू पुट माई 110% टू दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज हम टीम वर्क जब करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट कि उसका कैरेक्टर कैसा है, मेरा कैरेक्टर कैसा है या किसी और का कैरेक्टर कैसा है, वी हैव टू बी कि इंटायर फिल्म कैसे बनकर आ रही है। जैसे कि आपने देखा इट वॉज यश एट द एंड जो तड़का मिला एट द एंड कि ओके कैसे हुआ ये, हाउ डिड आई गेट प्रेगनेंट, किसी को भी नहीं पता, दानिश वॉज लाइक कि ओह शिट, एट द एंड इट वॉज लाइक कि यश, सो ये एक इंटायर चेंज आया, तो इसको भी हिंदी नहीं आता येट, ये प्लस पॉइंट हुआ हमारी मूवी का कि ही डजंट नोज हिंदी, तो उसको दानिश ने यूज़ किया, वी यूटिलाइज दैट, तो इस तरीके से मेरा कैरेक्टर मेरे को बहुत अच्छा लगा, पहली चीज़ तो मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि जिस हिसाब से मैं हूँ दैट चुलबुली वाली लड़की, एंड देन फिर फिट इन करना इतना मुश्किल नहीं था कैरेक्टर मेरे लिए, बिकॉज मेरे लिए ऐसा था कि हाँ ठीक है कर लेंगे। एक्चुअली मेरे को शफीक सर पहचानत वाले हैं, तो वो प्रोडक्शन कर रहे ना, तो इसमें एक यंग लड़का होना जो हैदराबादी बेस हिंदी बात करने वाला बोले, तो सर मेरे को कैश किया, सो उसके बाद टीम के साथ कोलाब हुआ और वैसा जर्नी इधर तक आया। ये जो लोग मदद किया सीखने में, I was the one, हम बैठ के सिखाते थे कि ओके ये इसका मतलब ये होता है, and आपने उसमें एक वर्ड नोटिस किया होगा कि जब वो यश बोलता है कि ठंड से कंपन हो रही है, आप रहे तो ये उसको बोल नहीं पा रहे थे, तो वही हमें फन कैरेक्टर मिल गया यश का, कि ओके हम इस पॉइंट को डाल सकते हैं,
तो ये ऐसे हम क्रिएटिविटी निकाल लेते हैं कुछ चीजों से। स्टोरी में काफी कॉमेडी है, तो किस तरह से इसकी प्रिपरेशन रही, लिखने में कितना मेहनत लगा, कितना टाइम लगा, उसके बारे में बताना चाहिए। मतलब स्टोरी को हमने ये फाइनल किया था हमने 3 मंथ्स में, जिसमें हमने डायलॉग लिख के फिर मैं अपने डायरेक्टर के साथ बैठता था और फिर हम रिहर्सल करते थे साथ में कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। मतलब हमने विद इन विवंती या 2 मंथ्स में तो हमने स्टोरी राइट की और फिर 3rd वीक में जितना हमने उसको पॉलिश करना चाहा, छोटे छोटे डायलॉग निकाल के हम रात रात में बैठते थे, डिस्कस करते थे, तो फिर हम एक अच्छी स्क्रिप्ट हमने तैयार की। फिर हम सर से मिले, हमने सर को पिच किया, सर को भी काफ़ी पसंद आई और सर यूथ को बहुत सपोर्ट करते हैं। आपके और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, कहाँ फिल्म होने वाले हैं? हम लोगों के और एक 2-3 प्रोजेक्ट आने वाले हैं, लव इन देहरादून तो बाकी सीरीज है और एक टॉलीवुड में भी मैं करने वाला हूँ कुछ काम, वहाँ पे साउथ में हैदराबाद में बहुत अच्छा टॉलीवुड का है, तो टॉलीवुड मूवी से भी बात करी प्रोड्यूसर से कोलैब में ऐसा हैदराबाद में बहुत सारे, तो देखेंगे अभी कुछ वक्त के हिसाब से आगे बढ़े। मैं इसके लिए एक चीज जरूर बोलूंगी कि हम जो आउटपुट देते हैं ना, भले ऑडियंस को, इट डिपेंड्स ऑन ऑडियंस, वो कैसा लग रहा है उन्हें, कैसा नहीं लग रहा है। हम जो आउटपुट दे रहे हैं ना, उसमें कितनी मेहनत लगी है नोबडी नोज। हम सिर्फ आउटपुट देखते हैं और जज कर लेते हैं कि ओके नहीं मजा आया या फिर ओके ठीक ठीक था, बट हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसके पीछे, बिकॉज इट्स अ स्टार्टअप, वी हैव स्टार्टेड, तो हम अपनी गलतियों से ही सीखेंगे। एंड आई नो हर कोई इंसान यहाँ पे परफेक्ट नहीं होता है, वी हैव टेकन आउटपुट और आई होप ऑडियंस को अच्छा लगे एंड बाकी डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस। फिल्म कहाँ देख सकते हैं ऑडियंस? हाँ, हंगामा, हंगामा, एयरटेल एक्सट्रीम, हंगामा, वॉचो एंड वोडाफोन प्ले, आप स्ट्रीम कर सकते हो। फिल्म के डायरेक्टर भी आप ही हैं? नहीं, फिल्म का डायरेक्टर मेरा सूरज है, फ्रेंड, बट ही इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट अवेलेबल। आपके बारे में थोड़ा सा अगर विस्तार में जानना चाहेंगे, क्या कुछ आपको इसके अलावा कर रहे हैं? हम लोगों का फैशन का कंपनी है, फैशन एंड फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म एकेडमी भी है हैदराबाद में, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, स्टारलाइट हैदराबाद। तो हम लोग इंटरनेशनल फैशन शोज, पूरे एम्बेसीज कनेक्टेड, कई कई ईरान, अफगानिस्तान, टर्की, दुबई, दुबई, ऐसे बहुत सारे एम्बेसीज के साथ हम लोग फैशन शोज किए हुए हैं कोलैबोरेशन में। एक्सपो 2020 दुबई में भी बहुत बड़ा इवेंट था हम लोगों का, और बॉम्बे में तो बहुत सारे फैशन शोज होते रहते मेरे कई साल से, 3-4 साल से। अब जैसे हमने स्टार्टअप किया था, एक्चुअली आई डन लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर, बट DOP के साथ मेरा नया एक्सपीरियंस था। DOP भी काइंड ऑफ माय फ्रेंड, मतलब हम फ्रेंड बन जाते हैं काफी सेट पे जब साथ में काम करते हैं, कि पूरा एक फ्रेंड सर्कल में बना से मूवी, कोई नए लोगों को लिए नहीं, प्रोफेशनल। वो ही मैंने बोला था कि हम जब स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे पास फ्लॉज आ जाते हैं, कहीं ना कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती है, तो अब हम जब स्टार्ट कर रहे हैं ना तो वील अब हम उससे सीखेंगे कि हाँ हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे कॉन्सेप्ट में जब जाते हैं तो वो चीज कहीं अटकती नहीं है, क्योंकि उसमें बड़ा सुधार सकते वो हमारे प्रोजेक्ट से, ताकि यूथ का एक, जो हमने हमारा यही था थोड़ा सा कि अपने यूथ को आगे लेके जाना है, ताकि थोड़ा सा हमारा जो यूथ का टेस्ट है आज की जो जेंजी जनरेशन है, हर एक DOP वाले नए बंदे को, डायरेक्टर नया, तो हमें हर एक नए लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी को चांस देंगे फ्यूचर में। Great. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.